नमस्कार, भीतर की बात में आपसे एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। और बिहार की राजनीति का और खास करके जो कुढ़नी चुनाव को लेकर के चल रहा है, आपने देखा होगा किस तरह से गुजरात के चुनाव पर सबका फोकस है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर जो है वो कुढ़नी चुनाव लेकर के आ रहा है। एक से एक दिग्गज वहाँ हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा जो है बिहार से जुड़ा हुआ है, केंद्र से जुड़ा हुआ है, सभी वहाँ कैंप लगाए हुए हैं। या तो गुजरात में कैंप है या फिर बिहार में कैंप है। बिहार के एक सीट का चुनाव है और गुजरात में राज्य का चुनाव है, फिर भी कुढ़नी पर इतना ज़्यादा दबाव और इतना ज़्यादा एग्रेसिव रहना, ये दिखाता है कि बिहार में भाजपा की स्थिति क्या है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। वहीं कहा जाए तो प्राइड नीतीश कुमार का भी इसमें फंसा हुआ है। नीतीश कुमार को जहाँ केंद्र की राजनीति में जाने की मंशा है, वहीं बिहार में भी अगर वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो समस्याएँ गंभीर होंगी। आज भीतर की बात में हम आपके सामने ऐसी खबर लेकर के आए हैं जिसमें आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि कुढ़नी का चुनाव किस करवट बैठ रहा है और उससे बिहार की राजनीति की दशा और दिशा कैसे तय होगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार से ज़्यादा अगर किसी से खौफ है भारतीय जनता पार्टी को, तो वो है मुकेश सहनी। आखिर मुकेश सहनी से खौफ क्यों है? तो इसके पीछे कारण है कि मुकेश सहनी अगर भूमिहार वोटरों में सेंधमारी कर देते हैं तो जो सवर्णों का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी अपना मानती है वो कहीं ना कहीं बिखर जाएगा और बिखरने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर सहनी वोट दूसरी तरफ चला जाता है तो कहीं ना कहीं एक बात तो पक्का है कि मुकेश सहनी महागठबंधन का ग्राफ ऊंचा कर देंगे, क्योंकि इससे पहले बोचहा में ऐसा हो चुका है। अब हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्यों हम कह रहे हैं कि खौफ ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी। उसके खौफ का ही कारण है कि अजय निषाद जो मुजफ्फरपुर से सांसद हैं, अपने पिता की विरासत के बाद वो लगातार सहनी समाज के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। उनकी बेचैनी बता रही है कि कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो दूसरे तरफ शिफ्ट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से परेशान दिख रही है और इस परेशानी का ही कारण है कि अजय निषाद के बाद उनकी पत्नी भी कहीं ना कहीं अब चुनाव प्रचार में उतर गई हैं। उनकी पत्नी एक एक मोहल्ला गली में घूम करके और ये लोगों से कह रही हैं कि अगर आपने सहनी के नाम पर मुकेश सहनी को वोट कर दिया तो आपके समाज का एक सीट जो है मुजफ्फरपुर वाला चला जाएगा, क्योंकि अगर उस वोट में सेंधमारी हो जाती है तो मुजफ्फरपुर जो लगातार सहनी समाज अपना वर्चस्व बनाए हुए है और हम सब मिल करके अपने समाज के विकास की बात करते हैं, विकास के लिए हर प्रयास करते हैं, वो हमसे छूट जाएगा, क्योंकि मुकेश सहनी उस चीज को ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे। अब उनकी पत्नी जो है रमा निषाद लगातार कुढ़नी में कैंप कर रही हैं। वहीं आपको बता दें कि अजय निषाद के साथ साथ शेखर सहनी भी एक फैक्टर बन गए हैं और भारतीय जनता पार्टी का मानना यह है कि नीतीश कुमार से ज़्यादा अगर वो मुकेश सहनी को रोकने में, वोटों का ध्रुवीकरण कराने में कामयाब हो गई तो वो वोट जो सहनी समाज से कट करके आएगा वो वोट उनके लिए निर्णायक भूमिका निभा सकता है, क्योंकि लड़ाई बहुत कड़े टक्कर की है और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो परिस्थितियाँ देखने को मिल रही हैं वो बता रही हैं कि कुढ़नी में भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई जहां एक तरफ सीधे नीतीश कुमार से है, वहीं दूसरी तरफ इस लड़ाई को मुकेश सहनी ने अपनी तरफ जरूर खींच लिया है और यही भारतीय जनता पार्टी के परेशानी का कारण भी है। वहीं आपको बता दें कि जब रमा निषाद मैदान में उतरी हैं तो उसके बाद से शेखर सहनी का भी एक वोट बैंक कहीं ना कहीं अब उनके पक्ष में जाता दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जीत हार का निर्णय करने वाली यह सहनी वोट किसके पक्ष में जाता है। अगर मुकेश सहनी की तरफ जाता है तो महागठबंधन का ग्राफ ऊंचा हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किलें जरूर होंगी, क्योंकि भूमिहार वोटर भी नीलाभ कुमार के भूमिहार होने से हो सकता है कि उनके तरफ झुके, लेकिन इन्हीं को समेटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने भूमिहार नेताओं को जो नाराज चल रहे थे उन सभी लोगों को एकजुट किया है, हमने पहले भी आपको बताया था। एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस विषय को लेकर के कि ललन सिंह और सुशील मोदी में बातचीत शुरू हो गई है और ये बातचीत हालांकि
इसका दिशा दूसरा है, लेकिन इस बातचीत ने कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में अब नीतीश कुमार और सुशील मोदी को एक बार फिर से करीब ला दिया है। मामला है नगर निकाय चुनाव का। नगर निकाय चुनाव पर जो आयोग का गठन किया था बिहार सरकार ने, उस आयोग की वैधता पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। अब ऐसी स्थिति में एक बार फिर से कहा जा रहा है कि नगर निकाय का चुनाव टल सकता है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार का कहना यह है, और ये देखिए यही राजनीति है, ऐसी ही राजनीति करके विरोधी भी कभी कभी एक दूसरे के लिए फायदेमंद साबित हो जाते हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने आयोग का गठन करके न्यायालय द्वारा जो डिमांड किया गया था, न्यायालय द्वारा जो निर्देश दिया गया था, उन्होंने उस निर्देश का पालन करने का भरसक प्रयास शुरू किया था। यह अति पिछड़ा आयोग बना और इस आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने तिथियों की घोषणा की, लेकिन इस आयोग को ही पूरी तरह कहा जाता है कि अवैध घोषित कर दिया। इस पर कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तवज्जो नहीं दिया, और ऐसी स्थिति में एक बार फिर से चुनाव टलने की स्थिति सामने आ गई है। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के अब ललन सिंह और तेजस्वी यादव पर एक बार फिर से एक बड़ा दबाव आना शुरू हो गया है, और यह दबाव है अपने अपने समाज के वोटरों का वोट शिफ्ट कराने का। सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव ने जाकर के जो इमोशनल कार्ड खेला है, और यहां तक कहा है, आप सोचिएगा कि तेजस्वी यादव की या तो बहुत ज्यादा नीतीश के प्रति उनका झुकाव हो गया है, और ये वो समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार उनको कुर्सी सौंप देंगे, इसलिए उन्होंने इतना बिलो द बेल्ट जाकर के और इस तरह का इमोशनल कार्ड खेला है। कुर्मी का चुनाव जीत जाने से नीतीश कुमार के उम्मीदवार का, यानी महागठबंधन के उम्मीदवार का, लालू प्रसाद की तबीयत ठीक हो जाएगी, ये कहकर के कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने अपनी राजनीतिक परिपक्वता को एक बार फिर से क्वेश्चन किया है। इमोशनल कार्ड खेला जाता है, लेकिन वो तब होता है जब जीवन मरण का प्रश्न हो। लेकिन यहां एक कुर्मी का सीट जीतने से नीतीश कुमार के ग्राफ में इजाफा होगा, लेकिन महागठबंधन को कोई असर नहीं पड़ेगा, और न ही सरकार पर कोई असर पड़ेगा। सरकार की सेहत पर तभी असर पड़ सकता है जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में दूरियां हो जाएं। लेकिन इसके बनिस्पत जिस तरह से आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने अपना सब कुछ झोंक दिया चुनाव प्रचार के दौरान, ये बातें स्पष्ट करती हैं कि लालू वाला इमोशनल कार्ड को लेकर के उनके समाज के लोगों में अब एक तरह की भ्रांति भी पैदा हो गई है कि राजनीतिक रूप से कितने परिपक्व हैं। दूसरी तरफ अगर राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार वहां होता तो सोचा जा सकता था कि तेजस्वी यादव का ये इमोशनल कार्ड कारगर है, क्योंकि उनके एक सीट में इजाफा होती जिससे वो सरकार बनाने अपने दल दम पर अपने महागठबंधन को नीतीश कुमार के बगैर, भाजपा के बगैर एक स्टेप आगे बढ़ते। लेकिन अब चर्चा वहां जबरदस्त चल रही है कि कहीं ना कहीं न तो ललन सिंह की दाल गली भूमिहार समाज के वोटरों को अपने तरफ शिफ्ट करने में, और न तेजस्वी यादव का असर पड़ने वाला है यादव समाज के वोटरों को। पहले से ही आपको पता है कि MOI में सेंधमारी हो चुकी है, मुस्लिम समाज जो है AIMIM के तरफ शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, आप देख ही रहे हैं, 2020 के चुनाव में भी हुआ, उससे 2019 के चुनाव में भी हुआ। अब जबकि कुर्मी का अंतिम रण चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ललन सिंह, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का साथ साथ चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी, सबका भविष्य स्टेक पर है। इस चुनाव में बहुत लोगों का भविष्य तय होना है, जिसमें देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है। हालांकि एक बात तो तय मान के चलिए कि नीतीश कुमार से ज़्यादा कुर्मी में चर्चा मुकेश सहनी की हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए डर का ये कारण भी बना है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।